स्किल इंडिया मिशन के तहत हमीरपुर में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। रोजगार मेले में देश की प्रतिष्ठित 29 कंपनियां साक्षात्कार लेने पहुंच रही हैं। कंपनियों में 1500 युवाओं को रोजगार देने का बात कही जा रही है। रोजगार मेले में 10वीं पास या उससे अधिक योग्यता वाले उम्मीदवार भाग ले सकते हैं और चयनित युवाओं को नौकरियों का प्रस्ताव पत्र मौके पर ही दिया जाएगा। हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा रोजगार मेले का शुभारंभ 4 अक्टूबर को राजकीय भौतिकी कॉलेज बड़ू हमीरपुर परिसर में किया जाएगा। सांसद अनुराग ठाकुर के प्रयासों से भौतिकी कॉलेज बड़ू में 4 अक्टूबर को एक दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में स्किल इंडिया मिशन को पहुंचाने के लिए दिशा में काम कर रहा है। वर्ष 2022 तक कौशल विकास निगम देश में 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारी जयकांत सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं के अलावा स्थानीय स्कूल कॉलेज के युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। रोजगार मेले में आईटीआई, कपड़ा उद्योग, रिटेल, स्वास्थ्य संबंधित, निर्माण क्षेत्र, कृषि उद्योग क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में जुबली एंड फुटवर्क्स, विप्रो, वॉलमार्ट, वर्धमान टेली परफॉर्मेंस, सुडेक्सो गति, यूरेका, फोर्ब्स आदि नामी ग्रामी कंपनियां इस रोजगार मेले में भाग लेने आ रही हैं। कंपनियों का विश्लेषण आ चुका है जो आने वाली हैं और हो सकता है थोड़े दिन कल तक और भी हमारे पास नाम आ जाएं। और बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, वॉलमार्ट जैसे आपने नाम सुना होगा, जुबिलेंट फूडवर्क से डोमिनोज पिज़्ज़ा का आउटलेट बनाता है, वो आ रहे हैं हमारे पास। आपके गति डब्ल्यू ए के आपके लॉजिस्टिक की कंपनी है वो आ रही है, आईटी से लिमिटेड आ रही है, तो नामी ग्रामी कंपनियाँ जो आ रही हैं इसकी, यहाँ के आपके माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी के द्वारा होगा और हो सकता है हमारे कौशल विकास के MOS मंत्री अनंत कुमार हेड़के के आने की संभावना है।